छतरपुर में एसडीएम अनिल सपकाले ने खुद ही अपने कार्यालय पर नकाबपोश बंदूकधारियों से हमला कराया था। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों के चलते ये साजिश रची गई थी। पुलिस ने घटना का 3 दिन में ही पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद संभागायुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। छतरपुर में एसडीएम और उनके दफ्तर पर हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि कई ऑडियो सुनने के बाद घटना का पर्दाफाश किया गया है। कंट्रोल रूम में पुलिस ने कुछ ऑडियो पत्रकारों को भी सुनवाए। इस साजिश में कृष्णा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर पुष्पिन गौतम, उनसे जुड़े राजू उर्फ राजेंद्र बुंदिला और भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जावेद अख्तर भी शामिल थे। पुलिस ने एसडीएम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि जांच में पाया गया कि एसडीएम ने ही पूरी योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिलाया। हमले के दौरान हमलावर किसी भदौरिया का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। इस पर पुलिस ने भदौरिया से भी पूछताछ की, लेकिन जब इसकी जांच की तो पता चला कि उसे फंसाने के लिए ऐसा किया गया था। प्रकरण की विवेचना की जा रही थी, इसमें तमाम आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर एसडीएम श्री अनिल सपकाले को भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और उनको भी शीघ्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3, 120B, 193, 182, 211 IPC, 2527 आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस ने पुष्पेंद्र सिंह गौतम, जावेद अख्तर, राजू उर्फ राजेंद्र सिंह, अमित सिंह परमार, अर्जुन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। पुष्पेंद्र गौतम ने बताया कि एसडीएम अनिल सपकाले की छतरपुर पदस्थापना के बाद अब तक वह 15 लाख रुपए दे चुका है। खुलासा में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। एसडीएम दफ्तर में और किसी ने नहीं बल्कि एसडीएम अनिल सपकाले ने ही प्राइवेट निर्माणाधीन यूनिवर्सिटी के संचालक को फंसाने के लिए उन्होंने कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह गौतम के साथ साजिश रची थी, जिसमें स्वयं हमलावरों को बुलाकर एसडीएम ने ब्रीफ किया था और किस तरह उनकी मौजूदगी में हमला करना है और फिर फायरिंग किस जगह करना है, इस सब की प्लानिंग कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और एसडीएम ने मिलकर की थी। इस मामले में एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद संभाग आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। 5 तारीख को एसडीएम कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई थी और एसडीएम के लिखित आवेदन पर थाना कोतवाली में जो FIR हुई थी, उसके अनुसंधान के लिए 12 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल SP मुखिया के तौर पे थे। और अनुसंधान पे ये पाया गया कि ये पूरी तरह से एसडीएम जो सपकाले थे, इन्होंने पूरी योजना बना करके षड्यंत्र रच करके इस घटना को अंजाम दिलवाया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।